नमस्कार, वेब दुनिया न्यूज में आपका स्वागत है और नजर डालते हैं आज की प्रमुख खबरों पर। सोनिया गांधी पर अरुण जेटली का तीखा कटाक्ष, महारानी कानून से ऊपर नहीं। नेशनल हेराल्ड मामले को लेकर संसद में हंगामे व गतिरोध के बीच वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी पर तीखा कटाक्ष करते हुए कहा कि भारत ने यह कभी स्वीकार नहीं किया कि महारानी कानून के प्रति जवाबदेह नहीं है। जेटली ने सोनिया व कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी को चुनौती देते हुए कहा कि संसद के काम में बाधा खड़ी करने की बजाय मामले को कानूनी तरीके से लड़े। वित्त मंत्री ने फेसबुक पर अपनी पोस्ट में कांग्रेस के इस आरोप को खारिज किया कि इस मामले में राजनीतिक प्रतिशोध की भावना से काम किया जा रहा है। जेटली के अनुसार सरकार ने इस संबंध में कोई दंडात्मक कार्रवाई नहीं की है। राष्ट्रपति मुखर्जी को प्रधानमंत्री मोदी ने दी जन्मदिन की बधाई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी को उनके 80वें जन्मदिन पर बधाई दी और कहा कि वह देश की एक अमूल्य निधि है। मोदी ने ट्वीट किया कि मैं हमारे प्यारे राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी को उनके जन्मदिन के अवसर पर हार्दिक बधाई देता हूँ। मैं उनके दीर्घ एवं स्वस्थ जीवन के लिए प्रार्थना करता हूँ। मोदी ने लिखा कि राष्ट्रपति मुखर्जी द्वारा सार्वजनिक जीवन में बिताया गया समय उन्हें हमारे देश के लिए एक अमूल्य निधि बनाता है। उनकी जैसी बुद्धिमत्ता और समझदारी रखने वाला कोई बिरला ही होगा। 11 दिसंबर 1935 को पश्चिम बंगाल के मीराती में जन्मे मुखर्जी 6 दशकों से राजनीति में हैं और उनका समूचा जीवन बेदाग रहा है। जापानी प्रधानमंत्री आबे का भारत दौरा, बुलेट ट्रेन सहित अहम करार। जापान के प्रधानमंत्री शिंजो आबे 3 दिवस के भारत दौरे पर आज दिल्ली पहुंच रहे हैं। शनिवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ उनकी सालाना शिखर वार्ता होगी। दोनों देशों के बीच भारत की पहली बुलेट ट्रेन नेटवर्क के लिए 98,000 करोड़ रुपए के करार के साथ साथ कई अहम समझौते होने की संभावना है। शिंजो के इस दौरे में भारत और जापान के बीच बेहतर तालमेल बिठाने और विशेष रणनीतिक संबंधों को नई ऊंचाई पर ले जाने पर जोर होगा।